आज जहां दिवस 22 जुलाई 2023 आता आप सगळ्यांना विनंती आहे की आपले जोरदार कार्यक्रम साजरे स्वागत करावे. बारह सौ 1300 किलोमीटर दूर से हम यहाँ पहुँच सकते हैं, तो मुंबई से आने में उन जरूरतमंद लोगों के लिए जिनको आज सचमुच जरूरत है कि अगर आटा चावल दाल हमको मिल जाएगा, हमको चीनी मिल जाएगी, मसाला मिल जाएगा, और जो बजट घर की महिलाएं हैं उनको एक सिलाई मशीन मिल जाएगा, उससे वो काम करेंगी, रुमाल सी के देंगी, कपड़ा सिल के देंगी. तो ये करने के लिए आदरणीय देवन फनी साहब का जन्मदिन था. उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन आप लोग सेवा सम्मान दी, यानी सेवा करो वही मेरा सम्मान है. तो आज मैं भरत राजपूत जो यहाँ के जिला अध्यक्ष, अभी 4 दिन पहले नियुक्ति हुई है, उनके नेतृत्व में एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वो देने के लिए हम कटिबद्ध हैं. और मैंने कहा है कि जितनी बचत गट की महिलाएं आपके हैं, आज तो 53 मशीन दे देंगी. अगर कल आपको लगे कुछ हमारी बहनें रह गई हैं, कुछ बचत गट के लोग रह गए हैं, तो मुझे सूचित करो, उसका भी हम करने की व्यवस्था करेंगे. लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, देवेंद्र फडणवीस जैसा एक नेता जो मुख्यमंत्री थे, लेकिन पार्टी के लिए, देश के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए उन्होंने उप मुख्यमंत्री स्वीकार किया. उसी दिन जब पत्रकारों ने पूछा, बोले मैं एक कार्यकर्ता बन के अगर काम करना हो मैं करूँगा. आज उसी का परिणाम है, उनका जन्मदिन जो है सेवा सम्मान दिवस. और देश के प्रधानमंत्री, हम सब लोग यही चाहते हैं आने वाले समय में 2024 में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर बहुत सारे 400 ज्यादा सांसद काम करें और आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस जी हमारे महाराज के फिर से मुख्यमंत्री बने, ये हम कार्यकर्ताओं का संकल्प है. उनके जन्मदिन पे यही फडणवीस जी ने स्पष्ट मैसेज दिया था कि जो समाज के आखिरी पायदान पे खड़े लोग हैं उनके लिए समाज कल्याण का काम करना चाहिए. उसी के उद्देश्य से आज अन्न वाटप, छतरी वाटप, टैप वाटप और सिलाई मशीन का वाटप किया गया है. क्या है कि हम उस जगह पहुंचना चाहते थे जहाँ पे एक्चुअल जरूरत हो. ये ट्राइबल एरिया है और यहाँ की आवश्यकताएं बहुत, मतलब नीडी लोग ज्यादा है यहाँ पर, इसलिए हम लोग यहाँ तक आए हैं. महाराष्ट्र के हर गांव में, हर खेड़े में जाकर हम भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे. हम नसीब वाले हैं जो चाचा हमारे पास आए और इस माध्यम से हमारे कुछ गरीब लोग जो जरूरतमंद थे उनको उनके माध्यम से परिश्रम संस्था, अखिलेश चौबे जी और कृपा शंकर जी के संस्था की तरफ से हमारे लोगों को मदद हुई, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि और भी भविष्य में आपको जरूरत लगेगी तो हम मदद करेंगे.